ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के आदर्श नगर में बने कैंप की बिजली पिछले 24 दिनों से कटी हुई है। यहाँ पर इस भीषण गर्मी में करीब 100 परिवार हैं और इनके करीब 150 मासूम बच्चे हैं, जो भीषण गर्मी में बेहद परेशान हैं। एलजी से लेकर सीएम तक सभी को ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि इन्हें बिजली कनेक्शन कब तक मिल जाएगा। पूरी की पूरी तार काट के ले जाए, आज उसको 24 दिन है, आज बिजली काटे हुए को आज 24 दिन है। 24 दिन से लेके ऐसी गर्मी में बच्चों की हालत ऐसी हो रही है, ये सारे छोटे छोटे बच्चे सब बीमार पड़ गए। दिल्ली के आदर्श नगर में ये लोग वर्ष 2013 से रह रहे हैं। पहले ये डायरेक्ट तार डालकर अपना काम चला रहे थे, लेकिन पिछले 24 दिनों से ये लोग अब बिना बिजली के रह रहे हैं। जैसे ही इसकी खबर दिल्ली के आपके बागी विधायक कपिल मिश्रा को लगी, उन्होंने बिना देर किए न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट किया, बल्कि खुद भी इस शरणार्थी कैंप पहुंचे और दिल्ली सरकार और सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। कपिल मिश्रा ने यहां तक आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को तो सब सुविधा दे रही है, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बिजली काट रही है। तो दिल्ली में इस वक्त 45 डिग्री की गर्मी चल रही है, उमस चल रही है, और उसमें 600 लोगों की आपने बिजली काट दी, तो कैसे ये लोग रहेंगे इस भीषण गर्मी में? बीमारियां फैल रही हैं, पीने का पानी भी जो मोटर से ले पा रहे थे उसमें भी अब मुश्किलें आ रही हैं। तो बहुत इनह्यूमन एक्ट है ये, कम से कम बेसिक सुविधा देनी चाहिए। यहीं से थोड़ी दूर पे एक बांग्लादेशी बस्ती है जहाँ पे झुग्गी के अंदर एसी तक चल रहे हैं, पूरी बिजली की सप्लाई वहाँ पे मिल रही है। तो ऐसा भेदभाव देश की राजधानी में क्यों हो रहा है? ये लोग अपने धर्म, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में, हिंदुस्तान में रहने के लिए आए हैं। कपिल मिश्रा के ये तेवर इशारा कर रहे हैं कि 2019 के मिशन के तहत उनका फोकस आपकी पोल खोलने पर ही रहेगा। जिस मुद्दे को बीजेपी प्रत्यक्ष उठाने में परहेज करती है, उन मुद्दों को कपिल मिश्रा उठाकर बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं। इस कैंप में आकर जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाया, वो भी इसी ओर इशारा करता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ अश्विनी कुमार अत्री की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर